से बेगम का कैडर समाप्त कर दिया और हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, रोटी रोटी दे न सके सरकार, रोटी रोटी दे न सके सरकार, निकम्मी है। न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। कोरोना काल में 22 मार्च से कोरोना काल में लगातार पूरा देश, प्रदेश, दुनिया उस बीमारी से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज आज तक नहीं मिला। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने रीवा में कोरोना काल के दौरान लगातार लोगों के बीच में जाकर सेवा की, उनके बीच में काम किया। शासन ने इनको निकाल दिया, ये कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर इस समय धरने प्रदर्शन में बैठे। इनकी मांग क्या है, हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे ये यहाँ पर आखिर क्यों। जी भाई साहब, क्यों आप यहाँ पर अपनी मांग के लिए क्या आए हैं? क्या है मांगे आपकी? हमें नियमित किया जाए, हमें फिर से रखा जाए, सेवा में रखा जाए, हमें फिर से बताइए। हम अब एक आपने जान जोखिम में डालकर ये महामारी कोरोना जैसे बीमारी में हम लोग काम किए हैं, आज ये सरकार हम लोग को निकाल दिया है। हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने आके हम लोग धरना पे बैठे हुए, आज हम लोग को इक्तिसामा दिन है, यहाँ पे कोई शासन प्रशासन यहाँ पे कोई नहीं आया। हम लोग अपने जान जोखिम, हम लोग की यही मांगी है कि हम लोग के नीतिकरण किया जाए, संविधा में रखा जाए। जैसे अभी तक हम लोग से काम ये सरकार ली है, हम लोग काम करने के लिए तैयार है, अलग से भर्ती ना करें। अगर हम लोग के पास हम लोग को 12,000 देने के लिए शासन के पास, सरकार के पास पैसा नहीं था तो अलग से नियुक्तियाँ भर्तियाँ क्यों कर रहा है? हम लोग जब काम करने के लिए तैयार हैं। भाई सही बोल रहे हैं, क्यों भर्तियाँ कर रहा? अगर नई भर्तियाँ हो रही हैं हम लोग को प्राथमिकता दी जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग फ्रंट लाइन में आके काम किए हैं, सरकार हम लोग के बारे में अच्छा सोचे। सरकार अच्छा सोचे, हम यही चाहते हैं जितने हमारे बहनों भाइयों को सबको बाहर निकाला गया, हमको फिर से वापस लिया जाए, बस हो गया। यही तो हम सबकी मांगे हैं कि हमें फिर पुनः अपने उसी पद पे रखा जाए और जो नई वैकेंसियां हैं उनको अभी ना रखें, पहले हम लोगों को रखें, इसके बाद जो बचती है तब उन लोगों को रखा जाए। हम यही चाहते हैं कि हम कोरोना योद्धा जान जोखिम में डाल करके काम किए हैं तो सरकार हम लोग को रोज़गार दे, नियमितीकरण करे और जो हमारे साथियों को बाहर निकाले हैं, एनाम फार्मासिस्ट को साथ में सारे मेडिकल स्टाफ को 12,000-15,000 हम लोग की सैलरी 12,000 है, 12,000-15,000 महज 12,000 रुपए में हमने अपनी जान जोखिम में डाली, हमने लगातार कोरोना काल में काम किया। अब सरकार ने जब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है तो हमको बाहर निकाल दिया है, मजबूरी में हमें टेंट लगाकर यहाँ बैठना पड़ रहा। हमारी केवल इतनी मांग है जो नई भर्ती की जा रही उसमें हमको प्राथमिकता मिले। इसके अलावा आप और बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? मैं यहाँ 26 दिन से बैठा हुआ हूँ, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया। मेन हमारी मांग ये है कि हमने फ्रंट लाइन में काम किया है, जब यहाँ इस रीवा ज़िले में या पूरे प्रदेश में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था तब हमने आकर सरकार का साथ दिया, मोर्चा उठाया। आज सरकार की नई तकनीकियाँ आ गई हैं, सरकार कहती एक तरफ कहती है हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है तो आप 2,858 भर्ती कैसे निकाल दिए? दूसरा बोलती है आप मानव संसाधन हमारे पास पर्याप्त है। अगर आपके पास मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तो भर्तियाँ किस काम की? हम और इस सरकार ने मध्य प्रदेश में पूरे, मुझे शर्म आती है कहने में, पूरे मध्य प्रदेश में इसने फार्मासिस्ट और एनएम का कैडर समाप्त कर दिया। अगर ये सुन रहे हैं सभी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के लोग तो ये जान लें कि अगर हॉस्पिटल ज़रूरी है इस देश में, डॉक्टर ज़रूरी हैं, अगर स्टाफ नर्स ज़रूरी हैं तो वहीं फार्मासिस्ट की, हर डॉक्टर के साथ एक फार्मासिस्ट होना अति आवश्यक है। अगर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट नहीं है तो ये मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है अगर फार्मासिस्ट नहीं है। निश्चित रूप से रीवा के अस्पताल या यूं कहें प्रदेश और देश के अस्पतालों में डॉक्टरों के अलावा उनके तमाम तरीके के जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनमें लगातार कमी है, लोगों की कमी है। उसके बाद महज 1200 रुपए की रकम पर इन्होंने जान जोखिम में डाली। इनका साफ तौर से कहना था जब घर के बाहर कोई नहीं निकल रहा था तब हम घर के बाहर निकले थे, अब जब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो हमको निकाल के दूसरों को भर्ती किया जा। हमारी केवल इतनी मांग है, शासन हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। हमको, क्योंकि हमने कोरोना काल में काम किया, हमको दूसरों के अलावा थोड़ी सी वरीयता मिलनी चाहिए। महज थोड़ी सी मांग, लेकिन
पिछले 31 दिनों के बाद भी यहाँ पर अभी भी कोई भी इनसे बात करने के नहीं आया। ये ठंड में लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम इसी तरीके से यहाँ पर अनशन में बैठे रहेंगे।